हाय किड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा डेसिमल से। अभी इससे पहले हमने फ्रैक्शंस किया था, तो फ्रैक्शन इसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो एक बार आप देखें कि इसको करते कैसे हैं। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले तो हमें इसको पढ़ना आना चाहिए कि किस तरीके से इसको बोलते हैं। तो हाउ विल यू रीड द फॉलोइंग्स, इसको कैसे पढ़ोगे? जीरो, ये जो पॉइंट्स होता है इसको हम डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेसिमल, इसको पॉइंट्स भी बोल देते हैं। तो 0.1, तो हम इसको लिखेंगे कैसे या कैसे पढ़ेंगे? 0.1। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद करने हैं। 0.4, 0.7, 0.9, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो आता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द डेसिमल्स। 2/10, ये आपको किस में दिख रहा है? फ्रैक्शन में। अब इससे पहले आपने फ्रैक्शंस का चैप्टर किया था, तो फ्रैक्शंस में दिखाई दे रहा है। तो इसको करते कैसे हैं वो देखिए। 10 आता है तो 1 का जो होता है वो यहाँ पे आप 0 लगा लीजिए, 1 का पॉइंट बन जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। तो जितनी 0 होती हैं उतने पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं। जैसे 0.1 है यहाँ पे, तो 0.2, क्लियर, द 0.2। इसी तरीके 3/10, तो 3/10 का क्या हो जाएगा? 0.3, 7/10, 0.7, एंड 5/10 देन द 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है वो इस तरीके से है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द डेसिमल्स। यहाँ पे इनको वर्डिंग में लिखा गया है, जो नीचे होता है ना उसके पीछे TH लग जाता है, टेंथ बोलते हैं, टेंथ, ठीक है, TH लग जाता है। तो TH लगने के बाद वो पता चलता है कि ये पॉइंट के बाद है। तो 7/10, तो ये 7 जो है ये पॉइंट के बाद है, पहले नहीं है, बाद में है। तो 0.7 क्या बन जाएगा? 0.7। नेक्स्ट है 9/10, तो ये भी 9/10 इकट्ठा बोला गया है, तो 9/10 का मतलब है ये कि पॉइंट के बाद 9 है, तो 0.9। 0.6, 6/10 होता है। और नेक्स्ट के जैसे ही आपका ये हो जाएगा, ये आपको खुद करना है। उससे आगे आता है, आपको डेसिमल में दे दिया जाता है और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि डेसिमल में दे दिया गया और उसको किस में चेंज करो? फ्रैक्शन में। 0.3, इसका मतलब क्या है? 3 को ऊपर लिखो, पॉइंट का 1 बन गया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1, यानी 10 यहाँ लग जाएगी ओनली। तो 3/10 इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे 0.8, इसका क्या बन जाएगा? 8/10, 0.1, 1/10, 0.9, 9/10। इससे आगे आते हैं आपको कि थोड़ा सा बड़ा करके कैसे लिखा है। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था, 4.2 लिखा, वहाँ पे 0 था, तो सेम जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। 4.2, 4.2, देन 3.5, 3.5, ऐसे वर्डिंग में लिखना है। उसके बाद आता है जो यहाँ पे जो टॉपिक आ रहा है वो ये है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखा है। हमने फ्रैक्शन पढ़ा था, उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन था, तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें? जो मिक्स्ड है यानी जो आपका होल नंबर है वो पॉइंट से पहले वाला नंबर होता है। जैसे ये 12 है, तो 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉइंट से पहले, 12 के बाद पॉइंट लगाना है। अब 12 के बाद कहाँ पॉइंट लगाना है वो देखो, 0.1, क्योंकि ऊपर 1 है, इसको हम पॉइंट के बाद लिखेंगे। ये पॉइंट से पहले, ये पॉइंट से पहले, ये पॉइंट के बाद। और इसको करने का एक दूसरा तरीका हमारा ये है कि 12 को अलग कर दो, 12 + 1/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 एज इट इज आ जाएगा और 1/10 को हम कन्वर्ट कर लेंगे अपने डेसिमल में, 0.1 हो गया। अब इनको प्लस कर देते हैं, 12 और 0, 12 और 1 एज इट इज आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट जो आता है आपका, ये कह रहा है कि अभी डेसिमल में कन्वर्ट दे रखा है और उसके बाद कन्वर्ट किस में करना है आपको? फ्रैक्शन में। तो सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही, 2 है इसका मतलब 0.2 के बाद है, तो ये 2 होल नंबर है, तो 2 यहाँ लिख देंगे, 2/, फिर उसके बाद ये 7 है तो 7/10। इसको ऐसे ही हम दोबारा जैसे हमने बनाया था दूसरे तरीके से वैसे भी कर सकते हैं, 2 + 0.7। अब ये हो जाएगा 2 + 7/10, देन 2 = 7/10। जो आपको आसान लगे उससे आप कर लेना, सीधा भी कर सकते हैं, आप ऐसे खोल के भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये जितने क्वेश्चन हैं ये आपको खुद करने हैं, ओके।
आई होप कि आपको डेसिमल्स का चैप्टर क्लियर हुआ होगा. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.